हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख रहे थे। तो अभी तक हम लोग 9 टेस्ट ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 10वां टेस्ट है। ठीक है, याद रखिए जितने भी आपके टेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं वो सभी जनरल स्टडीज टेस्ट के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? पहला क्वेश्चन है, बजट के अधिनियमन करने के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। तो इसमें पहला कथन है आपका क्या है, अनुदान की मांग पर विनियोग विधेयक पारित होने के बाद मतदान किया जाता है, गलत है आपका। दूसरा कथन है अनुदान पर मतदान को का लोकसभा के पास अनन्य विशेष अधिकार है, सही बात है। तो इसमें केवल आपका दूसरा कथन सही है, लेकिन इसमें पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए। याद रखना है, बजट संसद में निम्नलिखित 6 चरणों से गुजरता है। बजट जो बजट है आपका वो संसद में 6 चरणों से गुजरता है। कौन कौन से चरण है? पहला है बजट प्रस्तुति, दूसरा है सामान्य चर्चा, तीसरा है विभागीय समितियों द्वारा जांच, चौथा है अनुदान की मांगों पर मतदान, पांचवा है विनियोग विधेयक का पारित होना, छठवें नंबर पर है आपका वित्त विधेयक पारित करना। याद रखना फिर से, आपका बजट 6 चरणों से गुजरता है। कौन कौन से चरण हैं? पहला है आपका बजट की प्रस्तुति, दूसरा है सामान्य चर्चा, तीसरा है विभागीय समितियों द्वारा जाँच, चौथे नंबर पर है अनुदान की मांग पर मतदान, पाँचवें नंबर पर विनियोग विधेयक, छठवें नंबर पर विधेयक वित्त विधेयक पारित करना। ठीक है, एक अनुदान पर मतदान का लोकसभा के पास अनन्य विशेष अधिकार है, यानी राज्यसभा के पास मांगों के संबंध में मतदान करने की शक्ति नहीं है। दूसरा, मतदान बजट के मतदान योग्य भाग तक ही सीमित है। भारत के समेकित कोष पर भारत व्यय को दूसरा क्वेश्चन है आपका, लोक उपक्रम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, ये सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, गलत है। इसका कार्य लोक उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना है। ठीक है, दूसरा कथन आपका सही है, इसमें केवल 2 कथन सही है। याद रखिए, क्या रखना है, लोक उपक्रम समिति कृष्ण मेनन समिति की अनुशंसा पर 1964 में गठित की गई थी। इसमें आपके 30 सदस्य नहीं होते हैं बल्कि 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 होते हैं आपके राज्यसभा से। तो याद रखना, लोक उपक्रम समिति आपकी कृष्ण मेनन समिति की अनुशंसा पर 1964 में गठित की गई, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, बात करते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की न्यायिक शक्ति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संसद की न्यायिक शक्ति नहीं है? राष्ट्रपति से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की सिफारिश करती है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के संगठन और अधिकार क्षेत्र को विनियमित कर सकती है तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है, गलत है। संविधान का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ला सकती है, यह भी सही है। अपने विशेष अधिकारों के हनन या अवमानना के लिए अपने सदस्यों या फिर बाहरी लोगों को दंडित कर सकती है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन होगा, न्यायिक संसद की न्यायिक शक्ति बी ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, क्या होगा? बी ऑप्शन, याद रखिए। क्वेश्चन है आपका 4, क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर, कटौती प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो सदन के समक्ष किसी मुद्दे पर बहस का को छोटा करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। कटौती प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो इसमें आपका स्थगन प्रस्ताव नहीं है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव है कंगारू कटौती, गिलोटिन कटौती और घटकों में कटौती, ये 3 शामिल हैं, लेकिन डी ऑप्शन आपका नहीं है। ठीक है, याद रखिए।
स्थगन जो समापन है, प्रकार का कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है इस प्रकार का, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव। क्वेश्चन है आपका 5, क्या है 5, निम्नलिखित में से किसका संबंध सदन के नियमों के निर्वचन या परिवर्तन अथवा संविधान के ऐसे अनुच्छेदों से जो सदन के कार्य संचालन को विनियमित करते हैं और ऐसे प्रश्न उठाने से संबंधित हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो 5 में आपका होगा उचित प्रश्न, क्या है उचित प्रश्न, बी ऑप्शन सही है, ठीक है याद रखिए। जो निंदा प्रस्ताव है आपका, निंदा प्रस्ताव यह एक मंत्री या मंत्रियों के एक समूह या संपूर्ण मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है। विशिष्ट नीतियों और कार्यकारियों के कार्यवाहियों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। यह यदि यह लोकसभा से पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, इसके माध्यम से किसी सदस्य द्वारा सभापति की अनुमति से अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले की ओर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है, ठीक। फिर विशेष उल्लेख, ऐसा मामला जो उचित प्रश्न नहीं है, जैसे प्रश्नकाल, आधे घंटा की चर्चा, अल्पकालिक चर्चा के दौरान, या स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या सदन के किसी नियम के तहत नहीं उठाया जा सकता है, उसे राज्यसभा में विशेष उल्लेख के साथ उठाया जा सकता है, ठीक है। 5 का आपका बी है। क्वेश्चन है छठवा, लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किन समितियों का पदेन सभापति होता है। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति या किन समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है, तो आपको याद रखना है कार्य मंत्रणा समिति सही है और नियम समिति ये भी सही है, इसका होता है, इसका विशेष अधिकार समिति का नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 1 और 2 कथन आपके सही हैं, क्या है 1-2 कथन आपके सही हैं। विशेष अधिकार जो समिति है आपकी, इसमें समिति में 15 सदस्य होते हैं जिनमें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिसे इसके अध्यक्ष को विशेष अधिकार समिति के अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है। जब भी सदन या किसी संसद के विशेष अधिकार के उल्लंघन या अवमानना का मामला सामने आता है तो ऐसे मामलों की जाँच सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेष अधिकार समिति को सौंपा जाता है, याद रखिए, ठीक है। तो इसमें छठवें में आपका बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, क्या है 7वां, भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल सैन्य न्यायालयों की सजा पर माप पर क्षमादान दे सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है, सही बात है। राष्ट्रपति किसी मामले में मृत्युदंड पर क्षमा दे सकता है, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड पर क्षमादान केवल तभी दे सकता है जब इसे राज्य के कानून द्वारा निर्धारित किया गया हो, गलत है। इसमें आपका केवल 1 कथन सही है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जिसमें किसी व्यक्ति पर अपराध संबंधी मुकदमा चलाया गया हो और दोषी करार दिया गया हो, उसे संघ कानून के विरुद्ध अपराध के लिए दंड या दंडादेश दिया गया हो, कोर्ट मार्शल द्वारा दंड या दंडादेश दिया गया हो, उन सभी मामलों जिनमें दंडादेश मृत्युदंड का आदेश दिया हो, इनमें क्षमा करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के क्षमादान की भी शक्ति दी गई है राज्यपाल को, किंतु राज्यपाल की क्षमादान शक्ति निम्नलिखित 2 मामलों में राष्ट्रपति से भिन्न है। पहला है, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंडादेश को क्षमा कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा है, राष्ट्रपति मृत्युदंड के आदेश को क्षमा कर सकता है जबकि राज्यपाल नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि यदि कोई राज्य कानून मौत की सजा निर्धारित करता है तो क्षमादान देने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ना कि राज्यपाल में। हालांकि राज्यपाल को मृत्युदंड को निलंबित, लघु या उसमें बदलाव कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें हम लोग तो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास मृत्युदंड के निलंबन, परिहार, लघुकरण के संबंध में संवर्ती शक्ति शामिल है, ठीक है। तो इसमें 1 कथन आपका सही था, केवल 1 कथन सही था 7 का, याद रखिए। ये PDF आपकी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी, वहीं से डाउनलोड करते रहिए।
क्वेश्चन है 8, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप सबसे पहले तो ध्यान से ये पढ़िए, पढ़ लिया करिए, सही है पूछा है या नहीं, ठीक है? तो 8वां क्वेश्चन आपका क्या है? 8वां क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में राज्यों में प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। गलत है। राज्यसभा में प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। गलत है। तीसरा है आपका, याद रखिए, पहला भी गलत है आपका और दूसरा भी कथन गलत है। तीसरा कथन है आपका, राष्ट्रपति राज्यसभा में ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन, समाज सेवा में विशेष ज्ञान हो। ये भी आपका गलत है। सही क्या है आखिर? फिर तीनों कथन आपके गलत हैं। सही है आपका, सबसे पहले याद रखना है आपको, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या 250 होती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिनमें से 238 आपके राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। 12 प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है? अब बात करें वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सदस्य संख्या है? 245। कितनी है? 245, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से, 4 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 12 सदस्य आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान करती है, ठीक है? याद रखना है, राज्य का प्रतिनिधि राज्यों का प्रतिनिधि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। याद रखना, जो आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये राज्यसभा के विधानसभा क्या है, विधानसभा, याद रखना है पहले, सॉरी एक गलती हो गई, आपकी जो राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटें हैं जो आवंटन, ये 5वीं में नहीं, चौथी अनुसूची में शामिल है, ठीक है? याद रखना, चौथी अनुसूची में सीटों से आवंटन से संबंधित है। तो इसमें बात कर रहे थे जो आपके राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है? याद रखिए, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। मतदान जो आपका होता है, ये एकल संकमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार होता है, ठीक है? याद रखना, राज्यों में प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों का चयन राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है? इनका चुनाव होता है। और जो मनोनीत सदस्य होते हैं 12, आपके राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, किसमें? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं। याद रखिए, ना कि सहकारिता आंदोलन नहीं होता है इसमें, ठीक है? प्रतिनिधि करने वाले किसी व्यक्ति को मनोनीत नहीं किया जाता है राज्यसभा में, ठीक है? तो इसमें आपका तीनों कथन गलत थे, डी ऑप्शन था 8 का, ठीक है? क्वेश्चन है 9, क्या है क्वेश्चन नंबर, संसदीय कार्यवाही के दौरान प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला क्या है, तारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है, इसके लिए आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सक पाते
पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो गलत है ये आपका। आतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक जवाब की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी आपका गलत है। अल्प सूचना प्रश्न ऐसा प्रश्न होता है जिसे 10 दिन से कम की पूर्व सूचना देकर पूछा जाता है, इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। तो आपका तीसरा कथन सही है। क्या है? तीसरा कथन सही है, लेकिन इसमें पूछा क्या है? सही नहीं है। तो एक और दो कथन आपके सही नहीं है। अब सही क्या है इसमें? एक तारांकित, याद रखिए सुनिए, एक तारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, लिखित नहीं, या मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार पूरक प्रश्न को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ एक अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है, इस प्रकार पूरक प्रश्न को आगे बढ़ाया जाता है, याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 10। क्या है क्वेश्चन? है 10, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सदन के अधिनियम भारत के सभी भागों में समान रूप से लागू होते हैं, सही है, सॉरी गलत है। संसद बाह्य क्षेत्रों के लिए कानून बना सकती है, सही है। अंडमान एवं निकोबार के लिए राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए किसी विनियमन का प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के समरूप ही होता है, सही है। इसमें आपका कथन एक गलत है, कथन दो सही है, और कथन तीन भी सही है। कथन एक गलत क्यों है? संविधान संसद के पूर्ण क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में संसद के कानून लागू नहीं होते हैं। कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति 4 संघीय राज्यों अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप की शांति प्रगति और सुशासन के लिए नियम बना सकती है, ठीक है। एक विनियम की शक्ति और प्रभाव संसदीय अधिनियम के समान ही होता है। राज्यपाल को यह निर्देशित करने का अधिकार है कि संसदीय अधिनियम राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता। असम के राज्यपाल इस तरह निर्देश दे सकते हैं कि कोई संसदीय अधिनियम राज्य में एक आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होता है, ठीक है। इसमें केवल आपका एक गलत है, और दो और तीन कथन आपके सही है, तो इसमें बी ऑप्शन होगा। 10 का आपका बी। क्वेश्चन है आपका 11। क्वेश्चन क्या है? 11। भारतीय संसद की संप्रभुता पर निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक कर्तव्य, संघवाद, लिखित संविधान। तो इसमें क्या होगा? 1, 2, 4, 5 सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, 10 का सी। 1, 2, 4, 5 सही है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 12। क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निर्धारित है, गलत है। राज्य विधायिका की अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या क्रमशः 52, 500 और 50 निर्धारित है, ये भी आपका गलत है। सही क्या है फिर आखिर? लोकसभा इसके सदस्यों की कुल संख्या 552 तय की गई है, कितनी? 552, जिनमें से 530 सदस्य आपके राज्य के प्रतिनिधि होते हैं और 20 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किया जाता है। राज्य विधानमंडल की बात करें तो इसके सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60 तय की गई है, ना कि 50, कितनी? 60 तय की गई है। हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं वहाँ कम, 60 से भी कम है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा के मामलों में न्यूनतम संख्या 30 तय की गई है, क्योंकि इनमें कम है, और मिजोरम और नागालैंड के मामले में क्रमशः 40 और 46 तय की गई है, ठीक है। राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है राज्य विधानमंडल में, ठीक है। तो इसमें आपका क्या? दोनों कथन गलत थे, ठीक है। दोनों कथन आपके गलत थे, ना तो एक सही था ना ही दो। क्या है? डी ऑप्शन है इसमें।
ठीक है। क्वेश्चन है आपका 13। संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर है, गलत है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर है, सही है। मिजोरम तथा नागालैंड के लिए लोकसभा में एक एक सीट है, सही है। दो और तीन कथन आपके सही हैं। इसमें याद रखना है, इस वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र की सीमा वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक जारी रहेगी, याद रखना 2001 की, ठीक है। तो इसमें दो और तीन आपका कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम अधिनियमित करता है। अधिनियम के लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग गठन करती है, ठीक है। यह परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करती है। निर्वाचित क्षेत्रों में वर्तमान सीमाएं परिसीमन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर के आधार पर निर्धारित की गई है, ठीक है, याद रखिए। इसमें आपका दो और तीन कथन सही था। क्वेश्चन है आपका 14। कौन सा क्वेश्चन है आपका 14। भारत के परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है, सही है। इसके आदेशों पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाया जा सकता है, ये आपका गलत है। इसमें आपका केवल एक कथन सही है। भारत में परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत एक सांविधिक निकाय है, जिसके आदेश कानून की शक्ति रखते हैं और किसी भी अदालत के समक्ष उसके आदेशों पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते हैं। इसमें केवल एक कथन सही था। क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में किसी संसद के सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। यदि वह स्वैच्छिक रूप से उस दल की सदस्यता छोड़ दे जिसके टिकट पर वह सदन में निर्वाचित हुआ हो, सही बात है। यदि वह नियत समय के अंदर अपनी चुनावी व्यय का ब्यौरा देने में विफल रहता है, गलत है। यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति से पहले किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, गलत है। यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विरुद्ध सदन में मत देता है या मतदान में भाग नहीं लेता है, सही है। एक और चार आपका कथन सही है। यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे जिसके टिकट पर वो उसका निर्वाचन सदन में हुआ है, तो इसके आधार पर उसकी दल बदल विरोधी कानून के तहत आयोग ठहराया जा सकता है। दूसरा है, यदि वह सदन में आपके अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए किसी निर्देश के विपरीत मत देता है या मतदान में भाग नहीं लेता, तब भी उसे आयोग्य ठहराया जा सकता है। यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे भी आयोग्य ठहराया जाता है। और चौथा, 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे भी आयोग्य ठहराया जा सकता है। 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ठीक है, याद रखें। इसमें आयोग्यता के प्रश्न पर बात करें तो लोकसभा के मामले में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सभापति द्वारा निर्णय दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, तो इसमें एक और चार कथन सही था। 15 का एक चार सही था, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है आपका 16। क्या है 16, विभागीय स्थायी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वे किसी विषय की अधिक प्रभावी ढंग से जांच करने में संसद की सहायता करते हैं, सही है। प्रत्येक स्थायी समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं, सही है। ये अस्थायी प्रकृति की होती हैं, ये गलत है। इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, एक और दो कथन सही है।
तदर्थ समितियों के विपरीत स्थायी समितियां, जो आपकी स्थायी समितियां हैं ये स्थायी होती हैं ना कि अस्थायी, ठीक याद रखना। क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत में सदन के नियमों में व्हिप के पद का उल्लेख किया गया है? नहीं। सदन के सदस्यों ने से व्हिप द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है? सही है, इसमें केवल आपका दो कथन सही है। व्हिप का जो व्हिप का कार्यालय ना तो भारत के संविधान में है और ना ही सदन के नियमों में और ना ही संसदीय कानून में वर्णित है व्हिप शब्द, ठीक है याद रखना। क्वेश्चन है आपका 18, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है? स्थगन प्रस्ताव, यह अविलंबनीय है, सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है, सही कथन है। दूसरा है गिलोटिन प्रस्ताव, ये बहस और मतदान के लिए केवल महत्वपूर्ण खंडों को उठाया जाता है और मध्यवर्ती खंडों को छोड़ दिया जाता है तथा उन्हें पारित मान लिया जाता है, गलत है। निंदा प्रस्ताव आपका, यह यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना होगा, गलत है ये भी। केवल एक कथन आपका सही है, इसमें सही क्या होगा? गिलोटिन कटौती प्रस्ताव है, यह तब आता है जब किसी विधेयक के प्रस्ताव के चर्चा रहित खंडों को भी समयाभाव के कारण चर्चा वाले विधेयक या प्रस्ताव के साथ मतदान करने के लिए रख दिया जाता है, यदि चर्चा के लिए आवंटित समय समाप्त हो गया हो तो, ठीक है याद रखना। और दूसरा निंदा प्रस्ताव, यह निंदा का मतलब है मजबूत अस्वीकृति या कठोर आलोचना की अभिव्यक्ति, यह एक विधायिका द्वारा आमतौर पर सरकार या एक मंत्री की नीतियों के खिलाफ विपक्ष की फटकार हो सकती है। हालांकि इस कुछ कार्यों की निंदा करने या आलोचना करने के लिए पारित किया जाता है, यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आपका था सी ऑप्शन, केवल एक कथन सही था। क्वेश्चन है 19, क्या है 19, निम्नलिखित में से कौन स्थितियां संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती हैं? तो जब दो या दो से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करते हैं, सही है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के क्रियान्वयन के लिए, सही है। राष्ट्रपति शासन के दौरान, सही है। जब राज्यसभा साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करती है, ये गलत है। इसमें 1, 2, 3 कथन आपके सही हैं। जब राज्यसभा कोई संकल्प पारित करती है, यदि राज्यसभा घोषणा करती है कि राज्य हित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के किसी मामले पर कानून बनाना चाहिए, तो संसद उस विषय पर कानून बनाने हेतु अधिकार संपन्न हो जाती है। इस प्रकार के संकल्प को उपस्थित राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3, याद रखिए बहुमत नहीं, 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित किया जाना चाहिए, ऐसा संकल्प, ठीक है। तो इसमें 1, 2, 3 कथन सही है, ए ऑप्शन सही था, ठीक है। क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन क्या है 20, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संसद किसी भी राज्य को उसकी सहमति के बिना केंद्रीय कार्यपालिका का कोई भी कार्य सौंप सकती है, सही है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य को उसकी सहमति से केंद्रीय कार्यपालिका पर कोई भी कार्य सौंप सकता है, ये भी सही है। तो 20 में आपका 1 और 2 दोनों सही हैं, तो इसमें सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है आपका 21, क्या है 21, प्राकलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्या करना है विचार। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, गलत है। परंपरागत रूप से इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता है, ये भी गलत है। सही क्या है आखिर? मूल रूप से इसमें 25 सदस्य होते हैं, मूल रूप से इसमें प्राकलन समिति में 25 सदस्य थे, लेकिन वर्ष 1956 में, कब 1956 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई, अब 30 सदस्य होते हैं इसमें प्राकलन
प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य आपके लोकसभा से चुने जाते हैं, ठीक है। इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष उन सदस्यों में से करता है जो सत्तारूढ़ दल का होता है, ठीक है, याद रखना। तो इसमें आपका 21 में डी था, ना तो एक सही था और ना ही दो। क्वेश्चन है 22। संसद के सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संसद सत्र किसी सदन की पहली बैठक और उसके सत्तावसान विघटन के बीच की अवधि को दर्शाता है, सही है। दो सत्रों के बीच की अवधि को सत्तावसान के रूप में जाना जाता है, गलत है। सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार अंतराल 3 महीने का होता है, ये भी गलत है। तो इसमें केवल आपका एक कथन सही है। जैसा कि आपको पता होगा, सामान्यतः भारत की संसद में 3 बजट होते हैं। बजट सत्र 3 सत्र होते हैं, पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। कौन कौन सा? बजट, मानसून, शीतकालीन सत्र। पहली बैठक और सत्तावसान या संसद के विघटन के बीच की अवधि को संदर्भित करता है सत्र। जब सदन किसी सत्र में नहीं होता है तो इसे अवकाश कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुरूप दो संसदीय सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह होना चाहिए, ठीक है, से अधिकतम का अंतर नहीं होना चाहिए 6 माह से। तो इसमें केवल आपका एक कथन सही था। क्वेश्चन है आपका अगला 23। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट निर्गत की जाती है, तो याद रखना विश्व आर्थिक मंच द्वारा फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ठीक है। फिर 25 क्वेश्चन है आपका। इंडियन ओशियन वेव एक्सरसाइज संबंधित है, तो याद रखना हिंद महासागर में आयोजित एक सुनामी बचाओ तथा पुनर्वास अभ्यास से संबंधित, 24 का सी है। क्वेश्चन है 25। क्या है 25? क्वेश्चन 25 है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखना केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं के ऑनलाइन प्रबंधन हेतु एक बिंदु स्थित सुविधा प्रदान करना, ए ऑप्शन सही, 25 का ए है। तो चलिए, ये था आपका 10वां टेस्ट। आगे हम लोग बढ़ाते रहेंगे इसी प्रकार।